समर्स में ठंडा ठंडा जूस और ड्रिंक्स पीने में काफी मजा आता है। आपको पता है सुपरमार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला जूस कौन सा है? इट इज द मैंगो जूस। इसलिए चलिए आज बनाते हैं होममेड फ्रूटी। काफी आसान है, शुरुआत करते हैं। सो मार्केट में कई सारे मैंगो ड्रिंक्स मिलते हैं, लेकिन सबसे स्पेशल बात मैंगो ड्रिंक की होती है उसका बैलेंस ऑफ खट्टा मीठा और उसकी कंसिस्टेंसी। घर पे हम सिट्रिक एसिड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे कच्चा आम। इसे हमें प्रेशर कुक करना है। पहले आम को अच्छे से वॉश कर लें और विद स्किन इसे प्रेशर कुक करना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। 2 से 3 सीटियां हमें लेनी है ताकि जो आम है वो अच्छे से पक जाए। सो कच्चा आम हो गया है प्रेशर कुक। इसका प्रेशर रिलीज करके ये जो कच्चा आम है ये हो गया है तैयार। अब इसे निकाल लेंगे। अभी तो ये काफी गर्म है, लेकिन थोड़ा ठंडा होने पे इसे छील के इसका पल्प निकालेंगे। ये जो रॉ मैंगो है आप देख सकते हैं अंदर से काफी गल गया है। एक स्पून या फिर डायरेक्टली हाथ से आप ये जो पल्प है इसे स्क्रेप ऑफ कर लें। जो इसका स्किन है इसमें काफी फ्लेवर होता है, लेकिन ये हल्का सा बिटर भी होता है, इसलिए स्किन यूज नहीं करेंगे। रॉ मैंगो हमारी फ्रूटी को सिर्फ फ्लेवर ही नहीं देगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी, एक थिकनेस भी देगा। सो रॉ मैंगो का प्यूरे हो गया है तैयार। यहाँ पे मेरे पास जो मैंगो है पका हुआ, इसे भी मैंने छील लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अब डालेंगे मिक्सी में। सबसे पहले पका हुआ आम। आपका आम जितना मीठा होगा उतनी आपको चीनी कम डालनी पड़ेगी। ये जो अल्फांसो मैंगो है इसका कलर थोड़ा केसरी सा होता है, इस वजह से आपके ड्रिंक का कलर भी काफी अच्छा आएगा। अगर आप कोई ऐसा आम यूज कर रहे हैं जिसका कलर थोड़ा लाइट है तो आपके ड्रिंक का कलर भी थोड़ा लाइट होगा। बट इट्स ओके बिकॉज व्हाट मैटर्स इज द फ्लेवर, क्योंकि हम इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं डालेंगे। जो इसकी गुठली है इसका भी जो पल्प है उसे स्क्रेप ऑफ करके निकाल लें। ये जो रॉ मैंगो का पल्प है इसे भी डाल लें मिक्सी में। थोड़ा खट्टा और बैलेंस करने के लिए नींबू, जो नींबू है इसके बीज निकाल लें, क्योंकि इसके बीज अगर पिस गए तो ये थोड़ा कड़वा हो जाएगा। हम अभी आधा नींबू का जूस डालेंगे और अगर लगा कि ये खट्टा कम है तो आधा और डालेंगे। आप जितना राइप मैंगो यूज कर रहे हैं उसका आधा आपको यूज करना है रॉ मैंगो। और अब आपको जितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से चीनी डालना है। अगर आपको लगता है कि आपको चीनी नहीं डालना है तो आप इसमें जैगरी डाल सकते हैं या फिर स्टीविया भी डाल सकते हैं। एंड फाइनली कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए पानी। इसे ब्लेंड करके हम अपनी ड्रिंक तैयार कर लेंगे। एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी। इसकी खुशबू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब अगर आप चाहें तो इसे आप छान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसे नहीं छानना है वो भी चलेगा। और इसका कलर देखिए, हमने इसमें बिल्कुल भी ना कलर ना फ्लेवर कुछ भी नहीं डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी अमेजिंग है। हमने इसमें कोई थिकनर भी यूज नहीं किया है। बिना थिकनर, बिना प्रेजर्वेटिव, बिना कलर, बिना फ्लेवर हमने घर में ही बना ली मैंगो फ्रूटी। ये हमारे फ्रूटी में अगर कोई भी बड़े मैंगो के पीसेस या कुछ रहेंगे ऐसे छानने से वो सारे के सारे निकल जाएंगे। बिल्कुल रसीला सा मैंगो फ्रूटी हो गया है तैयार। आप चाहें तो इसे माजा या स्लाइस बुला लें, लेकिन दिस आई कैन गारंटी इज बेटर देन एनीथिंग दैट्स इन द मार्केट। इनफैक्ट सिर्फ 2 आम से हमने एटलीस्ट 8 से 9 लोगों के लिए बना लिया घर में ही। चलिए इसे सर्व करते हैं। क्रश्ड आइस के ऊपर इसे पोर कर लें। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी खुशबू से मुझे तो बहुत टेम्प्ट हो रहा है इसे टेस्ट करने का। आई एम श्योर आपको, आपके फैमिली में, बच्चों को, सभी को ये रेसिपी काफी पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।